हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। आज मैं लेकर आई हूँ गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए एक बहुत ही स्पेशल मोदक की रेसिपी, जो टेस्टी तो है ही है, साथ ही बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है और ग्लूटेन फ्री भी, क्योंकि इसे मैंने बनाया है फिंगर मिलेट से। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार अगर आपने इन्हें बना लिया तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी टेस्टी हेल्दी रागी मोदक की रेसिपी। सबसे पहले मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई में घी। मैंने यहाँ 1/4 कप घी लिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ रागी फ्लार। रागी के आटे को हमें घी में अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम 1/4 कप फ्लार और ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और 2 मिनट के बाद इसे हम लो फ्लेम पर भूंजेंगे। रागी के आटे को लगभग हमें 6 to 7 मिनट तक भूनना है। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखें और इसे रेगुलर चलाते हुए भूंजें। लगभग 3 मिनट लो फ्लेम पर इसे भूनने के बाद ये थोड़ा घी और रिलीज करेगा। जब भी हम कोई आटा या बेसन भूनते हैं तो पहले तो वो थोड़ा सा ड्राई होता है और जैसे जैसे वो भूनते जाता है उसमें से घी रिलीज होने लगता है। 3 मिनट इसे भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून खसखस। खसखस को भी हम आटे के साथ ही भूनेंगे एंड 30 सेकेंड इसे भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गोंद बारीक कटी हुई। गोंद को ऐड करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप गोंद को डीप फ्राई करते हैं या किसी लड्डू या किसी भी रेसिपी में ऐड करते हैं, तो उसे पहले अच्छे से धूप में सुखा लें, ड्राई कर लें, उसके बाद ही इसे तलें। धूप में 1-2 घंटे सुखाने के बाद इसे आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही क्रंची हो जाती है, जल्दी से सिक्कर भी तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। गोंद को भी लगभग 1 मिनट हमें आटे के साथ अच्छे से भूनना है ताकि ये प्रॉपर फूल जाए और क्रंची हो जाए। 1 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किए हुए 2 टेबल स्पून कैश्यू मीन्स काजू। मैंने सिर्फ काजू ऐड किए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सिर्फ वॉलनट डालकर भी इसके मोदक बना सकते हैं, क्योंकि रागी और वॉलनट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। काजू को भी आटे के साथ 30 सेकंड तक भूनेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स पाउडर। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स पाउडर ना हो तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मखाने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करने से मोदक और भी रिच एंड टेस्टी बनेंगे। इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि जो आटे ने घी रिलीज किया था वो भी एकदम ड्राई हो जाएगा, मोदक इजीली बन जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करने के बाद भी इसे हम 30 सेकंड तक भूनेंगे और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, इसे रूम टेम्परेचर पर लाना है। हल्का गुनगुना रहेगा तभी हम इससे मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। मिक्सर अभी हल्का गुनगुना है, इसी टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे मिश्री पाउडर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप मिश्री पाउडर। ये धागे वाली मिश्री है, इफ़ आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप चीनी को मिक्सी में चलाकर पीसकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या शक्कर बूरा भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि रागी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। रागी आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, ग्लूटेन फ्री है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, साथ ही ये बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, इसे हमें अपनी डेली डाइट में ऐड करने के लिए सबसे ईजी तरीका है कि आप इसकी रोटियाँ बनाकर खा सकते हैं, पूड़ी पराठे बनाकर खा सकते हैं, इससे थालपीठ भी बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आप रागी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम मोदक बना लेते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है और इसमें हम मिक्सर को हल्का सा उंगली से प्रेस करते हुए भरेंगे। ये जो मोदक बनकर तैयार होगा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि ये रागी से बना है और धागे वाली मिश्री हमने इसमें ऐड की है और ड्राई फ्रूट्स में गोंद ऐड की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। गोंद के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। इस मोदक में ड्राई फ्रूट पाउडर की रिचनेस भी है जो इसे एक बहुत ही रिच और अच्छा टेस्ट देगी। ये देखिए परफेक्ट मोदक बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सभी मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह आप भी बनाइए इस गणेश उत्सव पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टेस्टी और हेल्दी मोदक।
साथ ही इस गणेश उत्सव को बनाएं और भी स्पेशल। जय गणपति बप्पा। इफ यू लाइक दिस रेसिपी सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।